सभी को जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो का टॉपिक है कि नवरात्रि के व्रत में आप क्या खा सकते हैं और क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो नवरात्रि के जो व्रत हैं इसमें केवल फलाहार ले सकते हैं, हालांकि कुछ सब्जियां भी ऐसी हैं जिन्हें कि फलाहार में ही माना जाएगा, आप उन्हें खा सकते हैं। लेकिन इसमें आपको गेहूँ का आटा, सूजी, बेसन, मैदा, ये सब चीज़ें खाने की मनाही है। आप इसमें रोटी अगर खाना चाहते हैं, पूरी खाना चाहते हैं, तो आप कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाने या सामक का आटा, सामक के चावल भी आपको मिल जाते हैं आसानी से, ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। तो जो आटे मैंने बताए हैं इनकी रोटी, पूरी, पराठा, जो भी आप चाहें वो बना के आप लौकी की सब्जी, सीताफल की या आलू की सब्जी खा सकते हैं। कुछ लोगों में अरबी की सब्जी भी खाते हैं, पर मैं उसे अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए आपके हिसाब से जो सब्जी खाई जाती है आप वो ले सकते हैं। वैसे लौकी, सीताफल और आलू की सब्जी तो 100% आप फास्ट में खा सकते हैं। शकरकंदी भी आप इसमें खा सकते हैं। व्रत में अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आप कोशिश करें कि नमक केवल एक ही बार खाएं, लेकिन अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं या तबीयत ठीक नहीं है तो उस केस में आप दो बार भी खा सकते हैं। इसमें आपको सेंधा नमक ही खाना है, नॉर्मल नमक नहीं खाना है। व्रत में आपको दही ज़रूर लेना है क्योंकि इससे पेट हेल्दी रहता है। और आप उसके अलावा, दही के अलावा, मिक्स फ्रूट का रायता ले सकते हैं, आलू का रायता ले सकते हैं। अगर आप मीठा खाना चाहते हैं तो व्रत वाली बर्फ़ी, रबड़ी, रसमलाई, नारियल के लड्डू या ड्राई फ्रूट के लड्डू, इस तरीके की बहुत सारी मिठाइयाँ आपको मिल जाती हैं। आप इन्हें बहुत आसानी से घर में भी बना सकते हैं। फल आप सभी तरीके के ले सकते हैं। आप कोशिश करिए जिसमें ज़्यादा पानी हो वो फल अगर आप नवरात्रों में लेते हैं, क्योंकि व्रत रहता है तो पानी वाले, जो ज़्यादा पानी वाले फल हैं अगर उन्हें लेते हैं तो बहुत अच्छा है। व्रत के दौरान आप कच्चे केले की सब्जी भी खा सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, और सब्जी में आप हरी मिर्च और अदरक भी ले सकते हैं। व्रत में आपको एनर्जी बनी रहे उसके लिए ड्राई फ्रूट्स भी आप लेते रहें, जैसे कि बादाम, किशमिश, अखरोट, काजू वगैरह। डेयरी प्रोडक्ट आप सभी तरीके के ले सकते हैं, दूध, दही, मक्खन, पनीर, घी, सब चीज़ें आप ले सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि घी या पनीर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, नहीं तो उससे सुस्ती बनी रहती है। प्याज और लहसुन व्रत में भी, और अगर व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी नवरात्रों में नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ लोगों को तम्बाकू वगैरह चबाने की आदत होती है, या कई बार भूख ना लगे इसके लिए भी लोग व्रत तो रख लेते हैं लेकिन तम्बाकू वगैरह साथ में इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आपको व्रत के दौरान पूरे तरीके से सात्विक भोजन ही लेना है। तो इसलिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हें आप अपने व्रत के खाने में शामिल कर सकते हैं। और अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। नमस्कार।